महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन से करारी शिकस्त खाने के बाद महायुति यानी एनडीए इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए रणनीति बना रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सफल रणनीति के समान ही महायुति सरकार भी महाराष्ट्र में किसानों और महिलाओं को लुभाने के लिए कई लोक लुभावन घोषणाएं कर रही है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने महिलाओं, युवाओं और किसानों पर केंद्रित बजट पेश किया। इसका लक्ष्य उस फॉर्मूले को दोहराना था जिसने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को जीतने में मदद दिलाई थी। मार्च 2023 में एमपी में शुरू की गई लाडली बहना योजना से प्रेरित होकर महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी तरह की पहल शुरू की है। इस योजना के तहत 21 से 60 साल के आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। वहीं सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पंपों के बिजली बिल भी माफ किए जाएंगे। सोयाबीन और कपास उगाने वाले किसानों को उनकी उपज के लिए अपेक्षित मूल्य नहीं मिला, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। सरकार 2 हेक्टेयर तक प्रति हेक्टेयर 5000 रुपए भी किसानों को देगी। इसके अलावा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बजट में 108 रुकी हुई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी और शुरुआत भी शामिल है। इस बजट में महिला साक्षरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। महायुति सरकार दबाव में है क्योंकि महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में महायुति महज 17 सीटों पर सिमट गई, बाकी सीटें महाविकास अघाड़ी ने जीती। उनके अभियान भाषणों में नई आकर्षक घोषणाओं की कमी और उनके खराब प्रदर्शन के एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखा गया। इस नए बजट का लक्ष्य मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं शुरू करके इसे ठीक करना है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी और महायुति गठबंधन किस तरह से काम करेगा, सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा, चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा, उस पर रणनीति बनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और महायुति की खराब प्रदर्शन के बाद हाईकमान ने इसे काफी गंभीरता से लिया। इसके चलते आज महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी ने मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई। मीटिंग में आगामी चुनाव की रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक में महाराष्ट्र के प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी शामिल होंगे। इसकी जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कोर कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा किस तरह से चुनाव लड़ा जाए। इसके बाद चुनाव समिति की बैठक होगी। 14 जुलाई को बीजेपी का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आमंत्रित किया गया है। लगभग 4500 पदाधिकारी इसमें निमंत्रित हैं। आपको बता दें कि इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई हैं। प्रदेश में इस समय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।